मॉर्निंग क्लास. फाइनली वी आर हेयर फॉर द लास्ट लेयर ऑफ आर ओएसआई मॉडल. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, तो जब से ओएसआई मॉडल शुरू हुआ है, हमेशा मैंने बताया है कि एप्लीकेशन लेयर इज़ द ओनली लेयर जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है यूज़र से या डेटा से. जो यूज़र डेटा प्रोवाइड करता है उससे वो इंटरेक्ट करती है. एप्लीकेशन लेयर ही एक ऐसी लेयर है जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जैसे कि आपके वेब ब्राउज़र, आपके ईमेल्स, ये आपके काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे. लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर के पार्ट नहीं हैं. बल्कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके प्रोटोकॉल्स के लिए और आपके डेटा मैनिपुलेशन के लिए, जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं. जो प्रोटोकॉल आपकी एप्लीकेशन लेयर सपोर्ट करती है उसको हम बोलते हैं HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आपने देखा होगा जो हम वेब ब्राउज़र्स के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा वो यूज़ करती है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि हमारे मेल कम्युनिकेशंस के लिए हमें हेल्प करता है. हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है वो आपको मैंने बताया है कि जब हम कोई भी डेटा मॉडल में डालते हैं तो वो डेटा फिज़िकल लेयर के थ्रू रिसीवर के पास जाता है और वापस रिसीवर एंड के एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ये हमारे एंड यूज़र के साथ कम्युनिकेट करती है, यानी कि एक डायरेक्टली हमारा इंटरफेस बनाती है बिटवीन द नेटवर्क एंड द यूज़र. ठीक है, अब ये सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करती है? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, हमारी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है, हमारी शेयरिंग ऑफ फाइल्स की सर्विस प्रोवाइड करती है. ठीक है, और हमारी जितने भी हमारे वेब से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे हमारे काम करती है. तभी तो हमने SMTP और HTTP की बात की है. क्यों? क्योंकि SMTP हमारी मेल्स के लिए यूज़ होता है और HTTP हमारे वेब ब्राउज़र के लिए यूज़ होता है. तो एप्लीकेशन लेयर इज़ द ओनली लेयर दैट कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र्स डेटा एज वेल एज द नेटवर्क. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द नेटवर्क और द OSI मॉडल एंड बिटवीन द यूज़र. ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल्स पे काम करती है? SMTP और HTTP. बहुत आसान है ये. इसके अलावा और कोई ऐसा काम नहीं करती है कि जिसमें सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड या सेशन से रिलेटेड. इसका काम है सिर्फ बैठो और काम करो. सबसे आसान है, ईजिएस्ट लेयर टू रिमेंबर. तो यहाँ पे हमारा बच्चों OSI मॉडल ख़त्म होता है. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया हो. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं. हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़रूरी हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.